तो आज की वीडियो में मैं आपको दुर्गा माता की रियलिस्टिक ड्राइंग करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये पार्ट टू है, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है जिसमें कि मैंने ग्रिड मैथ का यूज करके आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो दिखाया है, तो आप यहाँ पे आई बटन पर जाके चेक कर सकते हो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सभी मेरे की लिंक मिल जाएगी जिसका यूज करके मैं अपनी ड्रॉइंग करता हूँ, तो आप लिंक सीधा अमेजोन में जाके बाय कर सकते हो। तो दुर्गा माता के ये वाले फोटो में मैं आपको रियलिस्टिक शेडिंग करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ऐप का यूज़ करके अपने रेफरेंस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे ड्राइंग ग्रिड मेकर ऐप का यूज़ कर रहा हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने से आप लाइट और डार्क एरियाज को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, जिससे कि आपको ड्राइंग करने में और भी आसानी होगी। सबसे पहले मैं इस ड्राइंग में जो मटेरियल यूज़ करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो शेडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और ये मॉन्टमार्ट की मीडियम चारकोल पेंसिल। स्किन और स्मूथ एरियाज में शेडिंग करने के लिए मैं कैमल की चारकोल स्टिक का यूज़ करूँगा और उसे मेकअप ब्रश का यूज़ करके उसे ब्लेंड कर दूँगा। हाईलाइट्स के लिए मैं इलेक्ट्रिक इरेजर, टोम्बो का मोनोज इरेजर और नीडेबल इरेजर का यूज़ करूँगा। और अगर आपको भी बाय करना हो तो इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लिंक पर से सीधा अमेजोन में जाके बाय कर सकते हो। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा मेकअप ब्रश और पेपर स्टम्प का। मोस्टली मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करता हूँ क्योंकि उससे वो ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट मिलते हैं। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले अपने हाथ के नीचे एक क्लीन पेपर को रख लेना, जिससे कि आपकी ड्राइंग में फिंगरप्रिंट्स ना हो। तो सबसे पहले मैं क्राउन से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं मॉन्टमार्ट की मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो डायमंड्स है क्राउन में उसको ड्रॉ कर ले रहा हूँ जो डार्क पार्ट्स है। रिफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके मैं एक एक डायमंड्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो डायमंड्स की आउटलाइन थोड़ा डार्क करने के बाद उसमें शेडिंग के लिए मैं पेपर स्टम्प का यूज़ करूँगा, क्योंकि जो ये वाले डायमंड्स है वो ज़्यादा डार्क नहीं है, तो इसलिए मैं पेपर स्टम्प को आउटलाइन के ऊपर रब करके उसमें शेडिंग कर दूँगा। उससे हमें काफ़ी लाइट और स्मूथ शेडिंग मिलेगी। सेम इसी तरह से जो डार्क वाले डायमंड्स है उसको भी मैं पेंसिल का यूज़ करके उसके आउटलाइन को ड्रॉ कर लूँगा, लेकिन ये वाले डायमंड्स थोड़े डार्क है तो उसमें शेडिंग के लिए मैं कैमल की चारकोल स्टिक का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक क्लीन पेपर लूँगा और उस पर कैमल की चारकोल स्टिक को रब करूँगा राउंड मोशन में। उसके बाद मैं एक मेकअप ब्रश को लूँगा और इसमें डीप करने के बाद मैं साइड में पहले चेक करूँगा कि मुझे कितने डार्कर टोन चाहिए। उसके बाद जो डार्क एरियाज है वहाँ पे हम मेकअप ब्रश को सर्कुलर मोशन में रब करके इसकी मदद से शेडिंग करेंगे। अगर हमें और भी डार्कर टोन चाहिए तो हमने जो चारकोल पाउडर बनाया था चारकोल स्टिक का यूज़ करके उसमें डीप करके हम सेकंड लेयर को भी अप्लाई करेंगे अपनी ड्राइंग में। सेम मेथड का यूज़ करके मैं क्राउन के जो बाकी एरियाज है उसमें भी मेकअप ब्रश का यूज़ करके फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके शेड कर दूंगा। अभी हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करूँगा। तो रिफरेंस फोटो में जहाँ पे भी एक्सट्रीम वाइट एरियाज होंगे या फिर जहाँ पे लाइट आ रही होगी वहाँ पे मैं इरेजर का यूज़ करके उसे इरेज कर दूंगा, जिससे कि हाईलाइट क्रिएट हो जाएगा। तो रिफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके जहाँ पे भी हाईलाइट है वहाँ पे मैं टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर या फिर इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करके वहाँ पे इरेज कर दूँगा। सेम तरीके से मैं सभी जो बाकी एरियाज है ग्राउंड के उसको पूरा कर दूँगा, पहले शेडिंग फिर ब्लेंडिंग और उसके बाद हाईलाइट्स, ऐसा करके सारे एरियाज को कम्प्लीट कर दूँगा मैं। ये वाले एरिया को देखिए, मैं डायरेक्ट शेड नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, जो पेपर स्टम्प में जो डस्ट है उसी से और उसको रब कर दे रहा हूँ वो एरिया में, तो उससे शेडिंग हो जा रही है, तो उससे स्मूथ शेडिंग मिलेगी।
तो अभी हमारा मेन फेस वाला पार्ट आता है। तो सबसे पहले मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके जो आइज़ में जो डार्क एरियाज़ है जैसे कि प्यूपिल और, तो वहाँ पे मैं पेंसिल का यूज़ करके शेड कर लूँगा। तो पेंसिल की मदद से शेडिंग करने के बाद अभी मैं मेकअप ब्रश को ले रहा हूँ और उसकी मदद से जो मैंने शेडिंग किया है उसको वहाँ पे ब्लेंड कर दे रहा हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो प्यूपिल के नीचे वाला पार्ट है वो पूरा वाइट नहीं है, तो वहाँ पे भी मैं मेकअप ब्रश को थोड़ा स्क्रब कर दूँगा जिससे कि शेडिंग हो जाएगी लाइट। सेम तरीके से मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करके आइज़ के ऊपर वाले पार्ट में भी मैं शेडिंग कर रहा हूँ। एंड जो एक्सट्रीम डार्क एरियाज है वहाँ पे मैं वापस से पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। एंड जो स्किन वाला एरिया है वहाँ पे मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करके जो डार्क एरियाज है वहाँ पे सेकंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इतना करने के बाद हम अपनी ड्राइंग में हाइलाइट्स ऐड करेंगे। तो जो भी वाइट एरियाज है वहाँ पे मैं टोम्बो मोनोज इरेजर और इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करके वो एरियाज को इरेज कर दूंगा जिससे एक हाइलाइट क्रिएट हो जाएगा। तो फोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करके जहाँ पे हाइलाइट्स है वहाँ पे मैं इरेजर का यूज़ करके हाइलाइट्स ऐड कर दे रहा हूँ, और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे और थोड़ा डार्क शेड चाहिए तो वहाँ पे मैं पेंसिल का यूज़ करके दोबारा से शेड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हाइलाइट्स ऐड करने के बाद हमारे ड्राॅइंग में काफ़ी रियलिस्टिक लुक आ रहा है। सेम तरीके से मैं सेकंड आई को भी कंप्लीट कर दूंगा। पहले पेंसिल से शेड करूंगा, फिर उससे मेकअप ब्रश से ब्लेंड करूंगा, देन हाइलाइट्स ऐड करूंगा। तो अभी मैं आईब्रोज को ड्रॉ करूँगा। तो ये वाले फ़ोटो में जो आईब्रोज है वो फ्लैट है, उसमें स्ट्रोक्स नहीं है, तो मैं पेंसिल से ही सीधा उसमें शेड कर लूँगा। तो आईज़ कंप्लीट करने के बाद मैं अभी नोज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले मैं आउटर लाइंस को ड्रॉ कर लूँगा। तो अभी मैं पहले ये ज्वेलरी वाले पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फोटोग्राफ को मैं अच्छे से देख के जो कहाँ पे जो डिटेल्स है उसको ड्रॉ करूँगा, कहाँ पे लाइंस है, कहाँ पे जो सर्कल्स है वाला एरिया है, तो ऐसे मैं फ़ोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करूँगा और उसमें हाईलाइट ऐड करूँगा फिर इरेजर का यूज़ करके। तो अभी मैं स्किन को शेड करूँगा। उससे पहले मैंने जो फेस वाला एरिया है उसकी आउटर लाइंस को ड्रॉ कर लिया ताकि जो मैं शेड करूँ वो उससे बाहर नहीं जाए। तो सबसे पहले मैं चारकोल स्टिक को पेपर पर रब कर लूँगा और उसके बाद मैं उसमें मेकअप ब्रश को डिप करूँगा और पहले साइड में चेक कर लूँगा कि मुझे कितना डार्कर टोन चाहिए, और उसके बाद मैं पेपर में जो स्किन वाला एरिया है वहाँ पर मैं सर्कुलर मोशन में ब्रश को रब करूँगा। तो जहाँ पे मुझे और डार्क टोन चाहिएगा तो वहाँ पे मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करके सेकंड लेयर को अप्लाई करूँगा, और जो वाइट हाईलाइट एरिया है उसको मैं ऐसा ही छोड़ दूंगा, वहाँ पे मैं शेड नहीं करूँगा। इसी तरह से आपको फोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करके जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट और जहाँ पे डार्क एरिया है शेडोज वाला वहाँ पे डार्क शेडिंग करनी है। ये चारकोल मीडियम में मेकअप ब्रश से शेडिंग करने का फ़ायदा यही है कि हमें ग्रेफाइट के मुकाबले ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट मिलता है। जो लार्जर एरियाज़ है उसके लिए मैं बड़े मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, और जो स्मॉल एरियाज़ है वहाँ के लिए मैं छोटे मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ।
लिप्स में भी मैं पहले पेंसिल की मदद से आउटर लाइंस को ड्रॉ करूंगा, उसके बाद अंदर शेडिंग के लिए मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करूंगा चारकोल पाउडर में डिप करके। लिप्स वाला पार्ट थोड़ा डार्क है तो वहाँ पे मैं ज़्यादा चारकोल पाउडर का यूज़ करूंगा, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा डार्कर टोन मिलेगा। अब मैं पूरे फेस में शेडिंग को कंप्लीट कर दूंगा लाइट और डार्क एरिया को अच्छे से ऑब्जर्व करके। बस सिंपल है रियलिस्टिक ड्राइंग करना, बस आपको जहाँ पे डार्कर टोन दिखे वहाँ पे डार्क वैल्यूज को अप्लाई करना है, और जो लाइट एरिया होगा हाईलाइट वाला उसको आपको ऐसे ही वाइट छोड़ देना है। तो अभी जो फेस वाले एरियाज में हाईलाइट्स है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो जहाँ पे मुझे लगेगा वहाँ पे मैं फोटोग्राफ को देख के ड्रॉ कर रहा हूँ। और जो ये चीन वाला एरिया है वहाँ पे मैंने नीडेबल इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट को ऐड किया। तो अभी हेयर स्टार्ट करने से पहले ये जो इयररिंग वाला पार्ट है उसको मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करके ये जो इयररिंग में डायमंड्स है उसको मैं पहले सर्कल करके ड्रॉ कर रहा हूँ, और जो डार्क है वहाँ पे मैं डार्कर शेड को अप्लाई कर रहा हूँ, और जो लाइट एरिया है उसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। तो अभी हेयर के लिए मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा कम्प्लीटली। तो सबसे पहले मैं एक डायरेक्शन में स्ट्रोक्स को ड्रॉ करूँगा पेंसिल से, एक एक स्ट्रोक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके मैं ड्रॉ करूँगा एक लाइन में। तो स्ट्रोक्स ड्रॉ करने के बाद मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करके उसे ब्लेंड कर दूँगा। देखिए ब्लेंड करने के बाद जो हेयर वाला एरिया है वो कितना अच्छा लग रहा है। सेम तरीके से मैं जो बाकी के हेयर वाले एरियाज है उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। आपको हेयर की डिरेक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, जो डिरेक्शन में हेयर होंगे आपको उसी डिरेक्शन में पेंसिल से स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो जैसे मैंने इयररिंग्स को ड्रॉ किया था सेम मेथड का यूज़ करके मैं नेकलेस को ड्रॉ करूँगा। जो डायमंड वाला एरिया है उसको मैं सर्कल सर्कल करके ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, एंड फिर वापस से जो नेकलेस की आउटर लाइंस है उसको मैं पेंसिल की मदद से ड्रॉ करूँगा, एंड उसमें फिर बाद में हाईलाइट्स को ऐड करूँगा। इसी तरह से मैं पूरे नेकलेस को ड्रॉ कर लूँगा, और जैसे मैंने फेस पे शेडिंग की थी मेकअप ब्रश का यूज़ करके उसी तरीके से मैं नेक वाले एरिया को कम्प्लीट कर दूँगा। और ये जो हार वाला एरिया है वहाँ पे भी मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करके लेयर बाय लेयर चढ़ा के उसको डार्क कर रहा हूँ वो एरिया को, और उसके बाद मैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक इरेजर और टॉम्बो का मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके हाइलाइट्स क्रिएट कर दे रहा हूँ। एंड ये जो त्रिशूल वाला एरिया है उसको भी मैं पहले पेंसिल का यूज़ करके आउटर लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर उसमें मेकअप ब्रश का यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ लाइट और डार्क एरियाज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करके। बस सेम जो मैंने पूरी ड्राइंग में यूज़ किया उसी मेथड से इसको भी कंप्लीट कर दूंगा मैं। एंड यहाँ पर भी मैं हाईलाइट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके हाईलाइट्स क्रिएट करूँगा। तो देखिए सिंपल दो तीन स्टेप्स का यूज़ करके हमने कितनी अच्छी रियलिस्टिक ड्राइंग कंप्लीट कर ली। सेम मेथड का यूज़ करके आप कोई भी रियलिस्टिक ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो। आपको बस अपने रिफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे लाइट और डार्क एरियाज है, कहाँ पे हाईलाइट्स है, और जो टेक्सचर है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है, तो तब जाके आप सभी ड्राइंग को रियलिस्टिकली ड्रॉ कर पाओगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी कोई न्यू रिजल्ट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सभी मदद की लिंक मिल जाएगी जिसका यूज मैं अपने ड्राइंग में करता हूँ, तो आप लिंक पर से सीधा अमेज़न में जाके बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।